नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज इंग्लिश विंग्लिश की अगली कड़ी में लेकर हाजिर हैं इंग्लिश रीडिंग सेशन, जिसमें हम दो पैराग्राफ कवर करेंगे। पहला है हमारा एन आइडियल स्टूडेंट, इसमें आप रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल दोनों सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एन आइडियल स्टूडेंट, एक आदर्श विद्यार्थी। इसके बाद इट इज डिफिकल्ट टू बी आइडियल। जो आइडियल होना, आदर्श होना है, क्या है वो? डिफिकल्ट है। आइडलिज्म इज अ ड्रीम विच कम्स आउट सेल्डम ट्रू। आइडलिज्म है जो आदर्शवाद है, वो एक ऐसा स्वप्न है, सपना है, जो पूरी तरह से मतलब कभी कभार ही ट्रू होता है, सच हो पाता है। स्टिल आइडियल्स आर नेसेसरी इन लाइफ। फिर भी क्या है, जो हमारे आदर्श हैं वो जीवन में क्या हैं? आवश्यक हैं। विदाउट आइडियल्स लाइफ इज एम्प्टी, एमलेस एंड बोरिंग। बिना आदर्शों के जो जीवन है खाली, एमलेस, लक्ष्य रहित एंड बोरिंग हो जाता है। इफ वन कैन एवर बी आइडियल इन लाइफ, इट इज ओनली एज अ स्टूडेंट। तो कोई भी यदि आदर्श लाइफ में हो सकता है सबसे ज़्यादा, तो वो कौन हो सकता है? स्टूडेंट। अ स्टूडेंट हैज ऑलवेज भी बोल सकते हैं इसको क्लैरिटी से, सम आइडियल बिफोर हिम, ही वर्क्स टू अचीव देम। जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, उसके लिए कार्य करता है आदर्शों के, जो उसके सामने क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। आगे चलते हैं। फॉर हिम लाइफ इज इन लेबर एंड लर्निंग। अ स्टूडेंट ऑफ टूडे इज अ सिटीजन ऑफ टूमोरो। आज का जो स्टूडेंट है वो क्या है, कल का नागरिक है। ही विल बी अ बैड सिटीजन इफ ही इज अ बैड स्टूडेंट टूडे। यदि वह आज इसकी बैक साइड से सेंटेंस उठेगा, यदि वह आज का बैड स्टूडेंट है तो क्या होगा, ही विल बी बैड सिटीजन ऑफ टूमोरो। आई वॉन्ट टू बी एन आइडियल स्टूडेंट। मैं हूँ जो क्या करना चाहता हूँ, चाहता हूँ बी होना आइडियल स्टूडेंट, आदर्श विद्यार्थी होना चाहता हूँ मैं। आगे चलते हैं। उसके बाद आई वॉन्ट टू लर्न एंड डेवलप एंड अ फ्यू क्वालिटीज। ये थोड़ा मिस्टेक है। I want to learn and develop a few qualities. They are essential. Essential का मतलब होता है परम आवश्यक, for a person who wants to be an ideal. I get up early in the morning. I go out for a morning walk. I learn to smile. जो मैं क्या करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग में उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। I learn to smile. मैं हंसना सीखता हूँ किन से? फ्लावर से। To sing from birds. बर्ड से क्या सीखता हूँ? गाना। एंड ऑलवेज टू गो ऑन फ्रॉम द रिवर। रिवर से क्या सीखता हूँ? गो ऑन मतलब बहना, चलते रहना। देयर आर डेली मॉर्निंग लेसन्स फॉर मी। ये देर है जो, ये स्टार्टिंग में जब तब लगता है जब हमारे पास बताने के लिए कोई भी सब्जेक्ट विशेष कर नहीं होता। सिर्फ हमारा सेंटेंस क्या था कि प्रतिदिन के लिए मेरे पास क्या होते हैं, मॉर्निंग लेसन होते हैं। आई विश टू बी पंक्चुअल लाइक वॉच। आई विश, मेरी इच्छा रहती है कि मैं पंक्चुअल रहूँ किसकी तरह, वॉच की तरह, घड़ी की तरह, क्योंकि घड़ी अपना समय रेगुलरली दिखाती है। आई रीच स्कूल इन टाइम। मैं स्कूल टाइम में पहुंचता हूं। आई हैव अ सेट टाइम फॉर एवरीथिंग विच आई सेल्डम मिस। जो मेरा टाइम है वो
सभी प्रकार के लिए क्या होता है, सेट होता है, और विच आई सेल्डम, जिसको मैं कभी कभार ही मिस कर पाता हूँ। आगे चलते हैं। आई गो टू द प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग, मैं शाम को प्ले ग्राउंड में जाता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले इन अ टीम स्पिरिट, मैं अब टीम स्पिरिट में, टीम की भावना में क्या है, खेलना चाहता हूँ। इट इज़ हेयर, यह वही है जहाँ वी डिवेल्प कॉमरेडिशिप एंड स्पोर्ट्समैन, जहाँ मतलब हम एकता और एक क्या है स्पोर्ट्समैनशिप, मतलब जहाँ पर हम मतलब खेल की भावना सीखते हैं, स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट है जो, वो सीखते हैं। एट नाइट आई रेगुलरली स्टडी फॉर अबाउट 2 आवर्स, नाइट में क्या है मैं स्टडी कितने टाइम की करता हूँ, 2 आवर्स की करता हूँ। दिस सेट रूटीन ऑलवेज, ये जो सेट टू आवर रूटीन है, ये ऑलवेज क्या करता है, हमेशा कीप्स रखता है माई आइडियल लिविंग बिफोर मी, मेरे दर्शकों को मेरे सामने रखता है। थज विथ, इस प्रकार थज हो गया इस तरह मतलब, या विथ दीज आइडियल्स, इन आइडियल के साथ, आई एम ट्राइंग टू ग्रो एन आइडियल स्टूडेंट, मैं आदर्श स्टूडेंट की तरह आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। टू बिकम एन आइडियल सिटीजन, आदर्श सिटीजन बनने के लिए मैं ग्रो एन आइडियल स्टूडेंट, मैं एक आदर्श स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आदर्श सिटीजन बन सकूँ। दूसरे पैराग्राफ में हमारे पास क्या रहेगा, दूसरे पैराग्राफ में हमारे पास है द पोस्टमैन, द पोस्टमैन। देयर आर, फिर देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट की जगह हमने स्टार्टिंग में देयर आर लगा दिया, क्योंकि इसके बिना सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट हो रहा था। और शुरू में याद रखें बच्चों, जब भी देयर आएगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, वो एक सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए होता है। देयर आर पर्सन्स हु हेल्प अस इन मैनी वेज, कुछ लोग होते हैं जो हमारी किसी भी कई तरह से मदद करते हैं। द पोस्टमैन, पोस्टमैन है जो, इज़ वन ऑफ देम, वन ऑफ देम क्या होता है, उनमें से एक पोस्टमैन है। ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, वह क्या है, पब्लिक का सर्वेंट है, सेवक है जनता का। ही इज़ वेरी यूजफुल, वह बहुत उपयोगी है, बहुत काम का है। ही वियर्स, पहनता है, वियर मैंने पहनना, अ खाकी यूनिफॉर्म, खाकी कलर की यूनिफॉर्म पहनता है। ही कैरीज अ लेदर बैग, उसके पास लेदर बैग होता है, कैरी का मतलब रखी रखता है अपने पास। विद हिम, अपने साथ। ही कीप्स ऑल द लेटर्स एंड पैकेट्स इन इट, वो सभी लेटर्स और पैकेट्स क्या रखता है, उसमें रखता है। ही गोज टू द पोस्ट ऑफिस इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में पोस्ट ऑफिस जाता है। ही टेक्स द लेटर्स, वहाँ से लेटर लेता है, एंड अदर आर्टिकल, और कुछ मैगजीन पत्रिकाएँ कुछ भी आर्टिकल्स होते हैं वो भी ले लेता है, जिसके जिसके घर पहुँचाने होते हैं। हीज वर्क इज़ वेरी हार्ड, उसका वर्क वास्तव में ही उसका क्या है, वर्क बहुत हार्ड होता है, कठोर, बट ही डज इट वेरी वेल, परंतु वह इसको अच्छी तरह से करता है। उसके बाद आता है द पोस्टमैन डिलीवर्स, डिलीवर करता है द डाक, डाक जिसको पत्र पत्रिकाओं को सबको मिला के क्या है, किस नाम से जानते हैं हम, डाक, फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर से घर तक डाक पहुंचाता है, घर घर जाकर। ही गोज फ्रॉम शॉप टू शॉप, वह दुकान से दुकान पर जाता है, ऑल्सो फॉर दिस पर्पस, इसी उद्देश्य के लिए। फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए, ही ब्रिंग्स हैप्पी न्यूज़, खुशी की न्यूज़ लाता है वो। फॉर सम पीपल ही ब्रिंग्स बैड और सैड न्यूज़, कुछ ऑल्सो, कुछ के लिए वह बुरी और दुख भरी जो खबर है वो भी लेकर आता है। वी वेट फॉर हिम ईगरली, ईगरली का मतलब उत्सुकता से हम उसका इंतज़ार करते हैं। ही डज फॉर अस अ गुड सर्विस, वह हमारे लिए एक अच्छी सर्विस करता है, कार्य करता है, सेवा करता है। ही ब्रिंग्स न्यूज़ फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, हमारे मित्रों और रिश्तेदारों से क्या लाता है, वो खबर लाता है। द पोस्टमैन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, पोस्टमैन क्या है जो, बहुत हार्ड वर्किंग मैन है। ही डज नॉट केयर फॉर द रेन और द हीट ऑफ द सन, वह सूर्य की गर्मी, ये बैक साइड से चलेगा ऐसे, सूर्य की गर्मी और वर्षा से की परवाह नहीं करता है। डज नॉट केयर का मतलब परवाह ना करना, कहते हैं ना कहीं आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। इन ऑल वेदर, सभी मौसम में, ही वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करता है। ही इज़ ऑलवेज बिजी, वह हमेशा व्यस्त रहता है। द पोस्टमैन इज़ द लोएस्ट पेड पब्लिक सर्वेंट, जो पोस्टमैन है वो क्या है, सबसे कम वेतन वाला पब्लिक सर्वेंट है। इट्स ए पिटी, यह दया का विषय है। वी शुड कोऑपरेट, यहाँ आएगा कोऑपरेट इन हिज वर्क,
हमें उन उसके उसके वर्क में वी शुड कोऑपरेट हिम इन हिज वर्क, हमें उसे उसके वर्क में कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम सहयोग? हम उसको बता सकते हैं कि मान लीजिए वो कोई पता ढूंढ रहा है या किसी का घर ढूंढ रहा है, हम उसको उसके घर के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पर उसका घर है, यहाँ पर आप आएँ और ये उसका यहाँ से लेके इस गली से इस गली में यहाँ पर जाकर उसके डाक पहुँचा सकते हैं, ये उसका हाउस है, ये उसकी शॉप है या कोई किसी का और पता है, कोई न्यूज़ बतानी है हमने उसको बता सकते हैं। जैसे सेम नाम के जो पर्सन रहते हैं उसके बारे में भी हम बता सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेगा बच्चों। आपको कुछ ना समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।